नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेड बायोगैन बंसल है। दोस्तों, जब हम बहुत अच्छी तरीके से खाना खाते हैं, बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों को वह खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें गैस होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, बहुत सारे डाइजेस्टिव इशूज होते जाते हैं। और दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा दिनों तक डाइजेशन बिगड़ा हुआ होता है तो फिर हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम, एक्ने, पिंपल प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान रहना हमेशा, स्ट्रेस रहना और भी बहुत सारी बीमारियां हमको होने लगती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी तीन चीज़ें जो हमें खाने के तुरंत बाद कभी भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा रहे। और दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो आप तुरंत छोड़ दीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, नहीं तो दोस्तों आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ख़राब हो सकता है। और दोस्तों, अगर डाइजेशन सिस्टम ख़राब होता है तो हमारी पूरी बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है और हमारी पूरी बॉडी ख़राब हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन सी वो तीन चीज़ें हैं जो हमें खाने के तुरंत बाद कभी भी नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वन इज स्मोकिंग। दोस्तों, स्मोकिंग कभी भी की जाए वह अच्छी नहीं होती और सेहत के लिए हमेशा नुकसानदायक ही होती है, क्योंकि इसमें निकोटीन होता है और इसी के साथ साथ कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि आपको कैंसर पैदा कर सकते हैं। पर दोस्तों, खाने के तुरंत बाद अगर स्मोकिंग की जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है आपको। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि खाने के तुरंत बाद एक सिगरेट 10 सिगरेट के बराबर होती है। तो दोस्तों, अगर आप खाने के तुरंत बाद स्मोकिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिगरेट में होता है निकोटीन, और जब आप निकोटीन अंदर लेते हैं तो वह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वह खाना पचाने के लिए। और दोस्तों, अगर आप स्मोकिंग कर लेते हैं तो निकोटीन पूरा का पूरा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी के साथ साथ आपके खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देता है, जिससे कि आपको बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने लगती हैं और आप बहुत बीमार पड़ने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ सिगरेट में कार्सिनोजेंस मिलते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। अगर आप खाने के तुरंत बाद अगर सिगरेट को पीते हैं या फिर आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिसमें कार्सिनोजन होता है, मतलब कि कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस होता है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है खाने के साथ और आपको कैंसर कॉज करने के चांसेस 10 गुना तक बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं तो मेरी हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप खाने के तुरंत बाद स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों, यह आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप सिगरेट का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आप चाहें तो स्मोकिंग कुछ ही दिनों में छोड़ सकते हैं। अगर आपको स्मोकिंग छोड़ने के लिए कुछ आइडियाज़ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते तो। दोस्तों, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने नीचे दे रखा है। सेकेंड वन इज़ बाथ आफ्टर मील। दोस्तों, खाने के तुरंत बाद नहाना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप खाने के 15-20 मिनट्स पहले नहाते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, पर दोस्तों आप खाने के तुरंत बाद नहाएंगे तो यह आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके पेट की साइड ज़्यादा बढ़ता है और आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन आपके पेट की साइड होता है और आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। पर दोस्तों, अगर आप नहा लेते हैं खाने के तुरंत बाद तो वही ब्लड सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी में हो जाता है और आपके डाइजेशन सिस्टम से ब्लड सर्कुलेशन चला जाता है, जिससे कि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। और दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो वह खाना सड़ता है, और जो खाना सड़ जाता है वह आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देता है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे डाइजेस्टिव इशूज। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं तो एक अग्नि प्रज्वलित होती है जिसको हम बोलते हैं जठराग्नि। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर, मतलब कि जठराग्नि मंदी पड़ जाती है तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, आप खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी मत नहाइए, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा रहे। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फ्रूट्स। दोस्तों, खाने के तुरंत बाद काफ़ी लोग फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, जैसे कि आम। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आम या फिर कोई भी फ्रूट खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी मत खाइए, क्योंकि दोस्तों जब आप फ्रूट्स को खाते हैं तो फ्रूट्स जल्दी से डाइजेस्ट होते हैं, और इसी के साथ साथ दोस्तों फ्रूट्स में होता है फ्रक्टोज, जो कि आपकी कैलोरीज को इंक्रीज करता है। जब आप खाना खा लेते हैं और फिर ऊपर से और ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं तो यह आपके कैलोरीज की लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और आपके डाइजेशन को बिगाड़ देता है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ जब आप फ्रूट्स को खाते हैं तो वह जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपका खाना लेट डाइजेस्ट होता है। दोस्तों, आप खुद ही अनुमान लगाइए कि जो खाना नीचे है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया और ऊपर का खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, तो दोस्तों जो ऊपर का खाना डाइजेस्ट होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा, और जब दोस्तों वह स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा तो वहीं की वहीं वह खाना सड़ने लगेगा, और दोस्तों वह सड़ा हुआ खाना या फिर वह सड़े हुए फ्रूट्स आपके पूरे खाने को सड़ा देंगे। तो दोस्तों, आपका पूरा डाइजेशन बिगड़ जाएगा और आपको बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। तो दोस्तों, आप बिल्कुल ही फ्रूट्स का प्रयोग मत कीजिए खाने के तुरंत बाद। फ्रूट्स को सही खाने का तरीका अगर आपको जानना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आप सुबह अगर फ्रूट्स खाते हैं
तो यह आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और आप इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों यह ऐसी तीन चीज़ें थी जो कि आपको बिल्कुल भी खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों यह लिस्ट और यह पर यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिए, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और दोस्तों कोई भी क्वेरी या फिर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी एक हेल्थ टिप मिलती रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय भारत मां, वंदे मातरम।